अभी एक इनकाउंटर हुआ, उसको ये माना गया कि जात के उस पर हो गया, फिर उस पर बहुत से लोगों ने जब उसको प्रोटेस्ट किया तो फिर एक दूसरा इनकाउंटर हो गया। जब आप सरकार होते हैं तो आप जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा, वेशभूषा के नाम पे कभी किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकते। गमछा तो आपने पहना दिया, ये लाल वाली टोपी कब पहना रहे हैं? लाल वाली टोपी जब भी हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश हो जाएगा, लाल वाली टोपी बिल्कुल ही पहनेंगे। इस देश का एक ताना बाना रहा है और इस हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कई सौ सालों से, हजारों सालों से यहाँ एक साथ मिल के आए, कोई हमें लड़ाने की कोशिश न करे। विकसित भारत का सपना तो बहुत लोग दिखा सकते हैं, लेकिन डाटा और विजन कुछ ही लोगों के पास होता है। समाजवाद के सच्चे जननायक, जिन्हें प्यार से राजनीति में लोग नेताजी कहकर पुकारते थे, आज उनकी दूसरी पुण्यतिथि है। उन्होंने हमेशा अपने पूरे जीवन दलितों, पिछड़ों, शोषितों के लिए काम किया है। आज उनकी दूसरी पुण्यतिथि मनाते हुए यहाँ पे डॉक्टर अमित सिंह जोरामा हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और समाजवादी पार्टी के नेता। उन्होंने 27 साइकिल दे करके नेताजी की दूसरी पुण्यतिथि पे 2027 के चुनाव का आगाज भी कर दिया है और कहा है कि सिर्फ समाजवादी पार्टी ही नहीं बल्कि पूरा प्रदेश 2027 का इंतज़ार कर रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अशोक यादव जी हैं, खुद डॉक्टर अमित सिंह जी हैं और डॉक्टर नंदलाल यादव और तमाम समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं। सीधा सवाल आप ही से, आज आपने 27 साइकिल का वितरण किया है और नेताजी की दूसरी पुण्यतिथि भी है और आगे जो है 2027 का महत्वपूर्ण चुनाव भी है, तो ये सारा कम्बिनेशन क्या कहता है? ये आज तो नेताजी की जो दूसरी पुण्यतिथि है उसके अवसर पर हम लोगों ने उन्हीं की प्रेरणा से जी, नेताजी जैसा कि कहा करते थे कि आदमी जब ऊपर जाता है तो उसकी निगाहें ऊपर हो जाती हैं, लेकिन जो महलों पर हो जाती हैं, लेकिन जो उसे वोट मिलते हैं वो झोपड़ी से मिलते हैं। तो हमेशा हर नेता को ये ध्यान रखना चाहिए और किसी भी पार्टी की नींव जो होते हैं वहाँ के कार्यकर्ता होते हैं। कार्यकर्ता जितने मजबूत होते हैं उस पार्टी का ऊपर का जो भवन होता है उतना ही बढ़िया होता है जी। तो माननीय नेताजी की प्रेरणा से आज उनकी द्वितीय पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोगों ने 2027 में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी फिर से मुख्यमंत्री बने और उनको मुख्यमंत्री बनाने में जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं, जो ज़मीन पे कार्यकर्ता हैं, जो हमारे बूथ पे हैं, सेक्टर पे हैं जी। तो उन कार्यकर्ताओं को जो गांव-गांव घूमते हैं, नंगे पांव प्रचार करते हैं, तो चूंकि 2027 का चुनाव तो हम लोगों ने आज 27 साइकिलें 2027 के चुनाव के आगाज़ के लिए अपने कार्यकर्ताओं को, वैसे तो पहले ही मोटिवेटेड हैं लेकिन थोड़ा सा और मोटिवेट करने के लिए एक सिंबॉलिक एक मैसेज देने का काम किया, एक सिंबॉलिक मैसेज देने का काम किया है कि अब कमर कसने का समय आ गया है, कमर कस लीजिए, अब 2027 के लिए तैयारी कर लीजिए एकदम। ऐसी क्या खास बात देखी, हालांकि अभी नेताजी की दूसरी पुण्यतिथि उस पर भी मैं आप लोगों से बातचीत करूंगा, ऐसी क्या खास वजह दिख गई कि सिर्फ समाजवादी पार्टी आपको नज़र आई और बहुत सारी बातें अभी आपने कही हैं अंदर सभागार में? हाँ देखिए, क्या है कि इस समय देश का या प्रदेश का जो माहौल है, इस समय प्रदेश में समाजवाद की विचारधारा बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैं अभी एक बार डाटा भी दे रहा था कि भारत की प्रति व्यक्ति आय लगभग 16,000 रुपये प्रति महीना है, उसमें जो टॉप 1% लोग हैं वो लगभग 6 लाख रुपये प्रति महीना कमाते हैं, 20-40% लोग जो बीच के हैं वो लगभग 11,000 रुपये प्रति महीना कमाते हैं और जो सबसे नीचे 50% लोग हैं मात्र 1600 रुपये कमाते हैं। तो कहाँ 1600 रुपये कमाने वाला इंसान जो 50% जनसंख्या है हमारी और 1% 6 लाख कमा रहा है, तो ये 400 से ज़्यादा का गैप है। और चूंकि नेताजी भी लोहिया जी से बहुत प्रभावित थे, तो लोहिया जी का मुझे एक नारा अभी याद आ रहा है कि न 100 से कम और न 1000 से ज़्यादा, यही है समाजवाद का तकाजा। यानी लोहिया जी और जो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं ये मानते थे कि देखिए एकदम एक पे तो नहीं ला सकते लेकिन 10 गुने से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। तो और क्या देख रहे हैं कि अभी आप नौकरियों का देख लीजिए, नेताजी से हम लोग इसलिए उनके विचारों से प्रभावित रहते हैं कि आप उनके कभी भी भाषणों को सुनेंगे तो वो किसान की बात करेंगे, कैसे उसको अच्छा खाद मिले, कैसे उसको अच्छा बीज मिले, जो उसकी पैदावार हो वो कैसे उसको अच्छे से बेचे, जो नौजवान हो कैसे उनको नौकरी मिले, जाति के धर्म पे, पंथ के नाम पे, संप्रदाय के नाम पर लोगों के साथ अराजकता हो, लोगों के साथ दुर्व्यवहार हो, ये माना नहीं जा सकता। इस देश का एक ताना बाना रहा है और इस हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कई सौ सालों से, हजारों सालों से यहाँ एक साथ मिल के आए, कोई हमें लड़ाने की कोशिश न करे। और मैं तो ये कहता हूँ कि नेताजी जैसा जो धर्मनिरपेक्ष नेता था वो मुझे तो नहीं लगता कि इधर कोई था और अब बहुत कम ही उम्मीद है कि वैसा कोई आ पाएगा। तो मेनली हमारा जो आज नेताजी की पुण्यतिथि से है, जो हम लोग उनके रास्तों पर चलने की कोशिश करते हैं, जबकि बहुत इट्स टू बिग शू टू फेल, लेकिन फिर भी ये है कि
समाज में समता हो और वो समता राजनीतिक हो, आर्थिक हो, आध्यात्मिक हो, धार्मिक हो, एजुकेशनल में समता हो, हर तरह की समता होनी चाहिए। मोटा मोटा ये कहूँ कि जो नेताजी के आदर्श और विचार रहे हैं उनसे प्रेरित होकर के आपने समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया है? अभी ज्वाइन नहीं किया है। देखिए, लेकिन ये ट्रेडमार्क जो समाजवाद का गमछा है आपके गले में पड़ा है, तो ये सारी कहानी खुद ही बयां कर रहा है। नहीं नहीं, वो क्या है कि मुझे क्या लगता है कि किसी भी विचारधारा से जब आप प्रभावित होते हैं तो आप पार्टी में हैं कि नहीं है वो मायने नहीं रखती है। हमको टैग नहीं चाहिए किसी को भी। अगर आप किसी चीज़ के प्रति आपका फेथ है, बिलीफ है, तो आप उसके लिए काम कीजिए। मुझे एक अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उनका ये याद आता है कि ये मत सोचिए कि देश ने आपके लिए क्या किया है, ये देखिए कि आपने देश के लिए क्या किया है। तो अगर मेरी विचारधारा है तो मुझे ये नहीं सोचना है कि और क्या होने वाला है, मुझे ये सोचना है कि मैं अपनी विचारधारा के लिए क्या करता हूँ। और आज एक दिन है, उस दिन हम लोगों ने 27 साइकिलें बांट के 2027 के लिए जो हमारे जमीनी कार्यकर्ता हैं उनको थोड़ा सा और मोटिवेट करने का प्रयास किया है। हम चाहेंगे कि 2027 में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी फिर से मुख्यमंत्री बने। और विकसित भारत का सपना तो बहुत लोग दिखा सकते हैं, लेकिन डाटा और विजन कुछ ही लोगों के पास होता है। सभी सिंगापुर के ली क्वान यून और चाइना के डेंग जियाओपिंग नहीं हो सकते, वो कुछ ही लोग, बिरले लोग होते हैं। और हमारा मानना है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वो हैं, इसलिए हम लोग उनके साथ खड़े होना चाहते हैं। भले आप कह रहे हैं समाजवादी पार्टी अभी आपने ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन आपका जो बताने का तरीका है, है ना, वो पूरी तरह से मजे हुए और पके हुए नेता के जैसा ही है। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे, नेताजी की दूसरी पुण्यतिथि है, आप लोगों ने जो ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया है उसके विषय में बताइए। देखिए, नेताजी की दूसरी पुण्यतिथि है। हम लोगों का मानना है कि नेताजी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, वो विचारधारा थे। और वो विचारधारा ये थी कि समाज के दबे कुचले शोषितों वंचितों पिछड़ों दलितों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक रूप से समाज के उस विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए जहाँ से उनका विकास शुरू होता है। नेताजी जब से उन्होंने राजनीति में कदम रखा तब से लगातार अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक इस विचारधारा को पोषित और पल्लवित करते रहे और अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से उन्होंने पिछड़ों को, दलितों को, शोषितों वंचितों को मुख्यधारा में लाने का भी काम किया। आज देखिए समाज में जो भी उनकी जो विचारधारा थी, समाजवाद मतलब होता है कि समाज के हर तबके को उचित सम्मान देना और समाज के अंतिम पावदान पर बैठे व्यक्ति को इस लायक बनाना कि वो किसी के आगे हाथ न फैला सके। आप नेताजी के तमाम भाषण उठाइए, उसमें वो जरूर कहते हुए मिलते थे कि समाजवाद की यही मुख्य धारा है कि हमें समाज के उस पावदान, अंतिम पावदान के व्यक्ति को इस लेवल तक ले जाना है कि वो किसी के आगे हाथ न फैलाए। तो उस नेताजी जैसी विचारधारा वाले व्यक्ति को हम लोग उनका अनुसरण करने के लिए, उनकी नीतियों को अनुसरण करने के लिए, उनकी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए और उनके प्रति अपने श्रद्धा व्यक्त करने के लिए इस तरह का एक आयोजन किए हैं, छोटा सा आयोजन है। और इसके लिए मैं डॉक्टर अमित सिंह का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि पार्टी में न होते हुए भी इन्होंने जो काम किया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को 2027 में फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए इन्होंने 27 साइकिलों का जो वितरण करने का काम किया गरीबों में और हमारे जो कमज़ोर कार्यकर्ता हैं, जो वाहन के अभाव में कभी कभी पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने में थोड़ा असमर्थता उनकी हो जाती है, उनको इस तरह का जो इंपावर करने का काम किया है, इसके लिए मैं डॉक्टर अमित सिंह का बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इनकी सोच को और भी जो विधानसभा है, जो आपके विधायक सांसद हैं, वो भी अमल में लाएंगे कुछ बातचीत आगे? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग कोशिश करेंगे कि एक जो जो भी हमारे कार्यकर्ता साथी हैं, जो भी साधन के अभाव में, संसाधन के अभाव में अगर पार्टी की नीतियों को प्रचारित प्रसारित करने में कहीं कोई कमी आ रही है तो उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि अन्य विधानसभाओं में भी उसको लागू करने का प्रयास करेंगे। और फिर से मैं इस चीज़ को और एलेबोरेट करूँगा कि जो नेताजी की विचारधारा है उस विचारधारा को आज डॉक्टर अमित सिंह ने जो जिस तरह से एक नई दिशा और दशा देने का काम किया है, ये अपने आप में एक मिसाल है कि जो व्यक्ति पार्टी में अभी नहीं है, आधिकारिक रूप से भले नहीं शामिल है, लेकिन इसके बावजूद भी इनकी आज से नहीं, मैं तो डॉक्टर अमित सिंह को बहुत सालों से जानता हूँ, वो जब भी मिलते हैं समाजवाद की बात करते हैं। तो ये कोई ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग पूछे कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, ये कोई अपॉर्चुनिटी गेन करने के लिए नहीं ऐसा कर रहे हैं। रोक करके आपसे एक सवाल ले रहा हूँ, गमछा तो आपने पहना दिया, ये लाल वाली टोपी कब पहना रहे हैं? लाल वाली टोपी जब भी हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश हो जाएगा, लाल वाली टोपी बिल्कुल पहनेंगे। और ऐसे व्यक्ति देखिए राजनीति में जब एक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मानना है कि राजनीति में जब पढ़े लिखे लोग आते हैं, प्रोफेशनल्स आते हैं, तो राजनीति को इम्पावर करते हैं लोग, राजनीति को नई और दिशा और दशा देने काम करते हैं। तो ऐसे लोग अगर पार्टी में आते हैं, डॉक्टर हो गए, प्रशासन के अधिकारी हो गए और हमारे जो अन्य जो प्रोफेशनल लोग हैं, तो इससे पार्टी को, उनकी विचारधारा को, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की विचारधारा को, माननीय नेताजी की विचारधारा को
एक पंख लगता है, तो ऐसे लोगों के आने से पार्टी इम्पावर होगी और हो सकता है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की अनुमति से डॉक्टर साहब को पार्टी में भी जगह मिले, इसकी हम लोग अग्रिम जो बधाई देते हैं डॉक्टर साहब अभी से बताएं। अंदर मैं आपकी बात सुन रहा था, आपने कहा कि संविधान के अनुरूप किसी भी सरकार का, चाहे कोई भी सरकार हो किसी पार्टी की, उसका काम होता है सामाजिक न्याय करना और देश और प्रदेश का विकास करना, साथ ही यहाँ के लोगों की, भारत के लोगों की सुरक्षा, वो किसी भी जाति पंथ के हों। आपने बात बहुत लाजवाब कही, पूरी बात हमारे दर्शकों को बताएं क्या थी। किसी भी, जो हमारा संविधान कहता है कि कोई भी सरकार होती है उसके तीन मुख्य काम हैं, सामाजिक न्याय, अपने लोगों का विकास और सबकी सुरक्षा। जब आप सरकार होते हैं तो आप जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा, वेशभूषा के नाम पे कभी किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकते हैं। एक राजनीतिक पार्टी होना अलग चीज़ है, लेकिन जब आप सरकार में जाते हैं तो अगर आप मुख्यमंत्री हैं या प्रधानमंत्री या किसी भी पद पे हैं, आप सबके हैं। अभी आप जब देखते हैं कि अभी ताज़ा ही केस हुआ था, मैं पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहता, लेकिन जो चीज़ें हुई हैं उन पे नज़र जाती है तो बोलना ज़रूरी है। अभी एक इनकाउंटर हुआ, उसको ये माना गया कि जात के उस पर हो गया, फिर उस पर बहुत से लोगों ने जब उसको प्रोटेस्ट किया तो फिर एक दूसरा इनकाउंटर हो गया। ये चीज़ें क्या होता है कि मतलब जो बैलेंस करने के लिए, तो होता क्या है कि इससे जो जिन लोगों ने आपको चुना है चाहे नहीं चुना है, आपकी सुरक्षा जिम्मेदारी सबकी है। आप जिस सरकार, जिन लोगों ने नहीं चुना है आपको, ऐसा नहीं कि वो आपके लिए कुछ नहीं कर रहा है, वो भी अपनी मेहनत से जो गाढ़ी कमाई करते हैं उनका इनकम टैक्स का कुछ पार्ट आपको देते हैं, उसी पैसों से, जिन्होंने वोट तो नहीं दिया है लेकिन अपने इनकम टैक्स के पैसे से तो आपको इनडायरेक्ट मदद करते ही हैं। वो अगर अपना कोई रोजगार चला रहे हैं, भले से आपको उन्होंने वोट नहीं दिया है, तो वो एडिशनल जॉब इस प्रदेश के लिए, इस देश के लिए पैदा करते हैं। वो अगर कोई स्कूल चला रहे हैं, भले से आपको वोट नहीं दिया है, लेकिन वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उस समाज को शिक्षित करने का काम करते हैं। तो हमें किसी भी चीज़ को सिर्फ इस चीज़ से नहीं देखना चाहिए कि किसी ने हमको वोट दिया है कि नहीं दिया है, हमें इस चीज़ से देखना चाहिए कि वो आदमी इनडायरेक्टली कैसे इस प्रदेश को मजबूत बना रहा है। तो बस जो समाजवाद की विचारधारा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि सिर्फ तीन काम कीजिए, सामाजिक न्याय दीजिए, सबको सुरक्षा दीजिए और अपने को विकास दीजिए। और अभी जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया था कि समय जो अमीर और गरीब के, सबसे गरीब के बीच का भेदभाव वो 400 गुना से ज़्यादा है और ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए कोई भी एक डिपेंडेंट सोसाइटी कभी भी डेवलप्ड इंडिया नहीं बना सकती है, हमेशा एक सेल्फ डिपेंडेंट सोसाइटी ही विकसित भारत बना सकती है, विकसित उत्तर प्रदेश बना सकती है। लेकिन वो विकसित भारत कैसे बनेगा, वो विकसित प्रदेश कैसे बनेगा, जो हमारे 50% लोग 1600 रुपये पर महीने कमा रहे, जब तक आप उनको उठा के ऊपर नहीं ले जाएंगे तब तक आप विकसित भारत की बात नहीं कर सकते, ये बात करना बहुत ही बेईमानी होगा। उनको हम कैसे आगे ले जाएंगे, हम अपने किसानों को कैसे आगे ले जाएंगे। लोहिया जी कहते थे नौकरी या व्यापार, एक परिवार एक रोजगार, तो सारी समस्याएं समाजवाद के रास्ते से सही हो जाएंगी, एकदम हो सकती हैं। 27 में आप लोग 27 में आएंगे, बिल्कुल आएंगे, और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ये पूरा उत्तर प्रदेश कह रहा है कि आएंगे। पब्लिक इंतजार कर रही है, पब्लिक इंतजार कर रही है कि 2027 कब आवे और हम सरकार को बदलें और अखिलेश जी को, माननीय अखिलेश जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सरकार बनाएं, उनको मुख्यमंत्री बनाएं और समाजवादी पार्टी, ये जनता इंतजार कर रही है। चलिए, हमने बातचीत किया डॉक्टर अमित सिंह से, राष्ट्र प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के अशोक यादव जी, और आज डॉक्टर अमित ने 27 साइकिलें वितरित करके अपने जो जमीनी कार्यकर्ता हैं, ये 27 जो साइकिल है ना, एक 2027 के चुनाव का एक सिंबॉलिक एक चीज़ करने की कोशिश की गई है, अपने कार्यकर्ताओं को ये बताने की कोशिश की गई है कि ये साइकिल गांव, गली, मोहल्ले, देहात से होते हुए, शहर के कोने कोने से होते हुए उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2027 में लखनऊ पहुंचेगी और दोबारा उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार बनेगी, है ना। हमसे बातचीत करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।